हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका ऑनलाइन स्कूल। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल और वेरी इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10th, 12th, इवन ग्रेजुएशन भी कर ली है, फिर भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है। फर्स्ट में दो तीन लाइन बोलते हैं और अटक जाते हैं। सोचो उस समय कितना शाय फील होता होगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ठीक से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, अपने ही बारे में इंग्लिश में नहीं बता पाते हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हों, कॉलेज स्टूडेंट हों या इंटरव्यूअर के सामने हों। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य अपना परिचय इंग्लिश में दे पाएंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस, अपना परिचय कैसे दें। अगर आपने ये 10 पॉइंट्स सीख लिए तो आप अपना परिचय कहीं भी आसानी से दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे फॉर्मल वे में। फॉर्मल मीन्स औपचारिक। ये 10 पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे। फर्स्ट है एंटर। जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम एंटर कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये आपको कवर करना है, ये मैं समझाऊंगा आपको। सेकंड है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन करना, कि कैसे अभिवादन करना है हमको, उसके बारे में बताऊंगा। थर्ड है नेम। नेम कैसे अपना प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है। प्लेस, अपने प्लेस के बारे में क्या बताना है, कैसे बताना है। क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। स्किल एंड एक्सपीरियंस, आपके पास में क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताना है। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लाइफ्स एम, जीवन का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में, हॉबी के बारे में। और लास्ट में अपना इंटरव्यू, कैसे हमें अपना इंट्रोडक्शन एंड करना है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंटर। जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो एंटर करेंगे परमिशन लेके, तो हम कैसे बोलेंगे, मे आई कम इन सर। हम कहीं भी जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ फॉर्मल वे में हम इंटरव्यू देते हैं, तो फॉर्मल वे में हम हमेशा मे का यूज करते हैं। आप फ्रेंड सर्किल वगैरह में हैं, कहीं आप रिलेटिव में अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं, पर इंटरव्यू में फॉर्मल वे में हमेशा मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स, अभिवादन करना। सबसे पहले हम एंटर कर जाएंगे, एंटर करने के बाद में वो सिट डाउन बोल देंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको पता है कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम क्या यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग। उसके बाद में हम दोपहर 12 बजे के बाद में 5 बजे तक या 4 बजे तक इवनिंग में, तो उस टाइम तक हम क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। और शाम के 4 बजे से और 5 बजे से रात तक हम गुड इवनिंग बोलते हैं, जब तक हम अलविदा नहीं होते हैं, तो गुड नाइट नहीं बोलते हैं, तब तक गुड इवनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम। आपको अपना नाम कैसे बोलना है, माई नेम इज सुधीर। मैंने यहाँ सुधीर मेंशन किया है, आप अपना यहाँ पर नाम बोलेंगे, माई नेम इज, जो भी आपका नाम हो, राकेश, श्याम, ललिता। नेक्स्ट आई एम सुधीर। आई एम सुधीर ये क्या है, थोड़ा इनफॉर्मल वे में अच्छा लगता है। कभी भी आप अगर फॉर्मल वे में या इंटरव्यू में आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे आप हमेशा यही सेंटेंस यूज करें, माय नेम इज सुधीर, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में लगता है। ये नेक्स्ट है दिस इज सुधीर। दिस इज सुधीर क्या है, जब हम कहीं पे बड़े एड्रेस कर रहे हों किसी को, या हम अपने स्कूल में फंक्शन में कहीं अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, दिस इज सुधीर। नेक्स्ट है माई सेल्फ इज सुधीर। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसका हमको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के बारे में आपको बताना है कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आप दिल्ली से हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। वैसे ही नेक्स्ट आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, इसका भी मतलब यही है कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू दिल्ली, आप दिल्ली बोल सकते हैं। आई बिलोंग टू
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आई वॉज बोर्न इन उत्तर प्रदेश एंड रेज इन दिल्ली। मैं पैदा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश में एंड और पला बड़ा हूँ दिल्ली में। आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप बिहार से हैं अभी दिल्ली में रह रहे हैं, या आप मध्य प्रदेश से हैं भोपाल में रह रहे हैं, तो ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी जगह। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड रेज्ड इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड करंट एजुकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अभी, या करंट एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मतलब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, और आप क्या बोल सकते हैं? आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। नेक्स्ट है आई एम ग्रेजुएट इन साइंस। मैं साइंस में ग्रेजुएट हूँ। आई कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, मतलब मैंने कम्प्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन पिछले साल ही। आई कम्प्लीटेड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड। आप यहाँ पे यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हैं बिहार बोर्ड से, तो आई कम्प्लीटेड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड, मैंने इस बोर्ड से 12th किया है। नेक्स्ट है स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपका स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी स्किल नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम अ फ्रेशर। या आपके पास में कोई डिप्लोमा है तो आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव डन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर में 3 साल का डिप्लोमा है। आई हैव 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर। आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर में 4 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। नेक्स्ट, आई एम ए मल्टी टास्कर। मैं हर काम को कर लेता हूँ। या आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। मैं दूसरे से अच्छे से बात कर लेता हूँ। ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, पर आपको एक ही सेंटेंस बोलना है कि जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ हो उसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम पॉजिटिव थिंकर, या आई एम ए मल्टी टास्कर, या आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट है लाइफ्स एम, जीवन का उद्देश्य। आई वॉन्ट टू बी एन IAS। आपका उद्देश्य क्या है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या आप बोल सकते हैं दी एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ गुड टीचर। मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। या आप बोल सकते हैं दी एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम ए गुड लीडर या सोशल वर्कर। कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हॉबीज। हॉबीज मीन्स शौक। आई लव डांसिंग। मुझे डांस पसंद है, या बोल सकते हैं आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस अच्छा लगता है। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड अ बुक। अगर आपकी 2 हॉबीज हैं या 2 से अधिक हॉबीज हैं, तो आप कैसे यूज करेंगे? माई हॉबीज आर, हम यहाँ पे क्या आर का यूज करेंगे, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग के साथ में हमेशा 2 का यूज करते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड अ बुक। नेक्स्ट है हमारा एंड। अब हम अपने इंट्रोडक्शन को समाप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में? दैट्स ऑल अबाउट मी। मेरे बारे में बस इतना ही, थैंक यू। या हम शॉर्टली क्लोज करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू। मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताए हैं। 10 पॉइंट्स में इन सभी में 2 या 3 सेंटेंस आपको बताए हैं, पर आपको उनमें से एक एक सेंटेंस ही बोलना है। इट मीन्स आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन 10 सेंटेंस का होगा। 10 सेंटेंस का सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, शॉर्ट और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आप एक तरफ से बोलेंगे, जैसे मैं एक बार आपको बोल के दिखाता हूँ। फर्स्ट में एंटर करेंगे तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मे आई कम इन सर। आप अंदर चले जाएंगे, वो आपको शट डाउन के लिए बोल देंगे, तो आप बैठ जाएंगे। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मैं एक बार बोल के बताता हूँ आपको। मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग,
माई नेम इज़ हरि प्रताप, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई हैव ग्रेजुएट इन साइंस, आई हैव डन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, आई एम ए मल्टी टास्कर, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ गुड टीचर, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड अ बुक, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन बोलना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको लगा है इसमें से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर